राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के एग्जाम्स के बारे में, डेट शीट और एडमिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे। तो आपके जो एग्जाम्स है वो यूजी कोर्सेज के अलग डेट से स्टार्ट है और पीजी कोर्सेज के अलग डेट से स्टार्ट है। तो जो आपके यूजी कोर्सेज के एग्जाम है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 25 नवंबर से, और उसके साथ साथ जो आपके पीजी कोर्सेज है उनके आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो आओगे आपके 7 दिसंबर से। इसमें आपका रेगुलर स्टूडेंट या फिर आपका डिस्टेंस का, इंप्रूवमेंट का और रीअपीयर का, या फिर आपके एडिशनल और सभी के एग्जाम आपके यहाँ पर करवाए जाएंगे। ये आपके एग्जाम सही है, अब की बार भी आपके पहले की तरह ऑफलाइन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि ऑनलाइन हम करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। तो ऐसा कोई चांस नहीं देती यूनिवर्सिटी कि ऑनलाइन करवा सकते हो, ऑनलाइन सिर्फ विदेशी बच्चे ही करवा सकते जो मतलब फोन में रहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्स के बाद बात करते हैं आपकी डेट शीट की। तो जो आपकी डेट शीट है वो आपके एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आ जाती है। जिन बच्चों के भी एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाले उनकी जो आपकी डेट शीट है वो आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी डेट शीट है वो आ जाएगी, यानी कि आपके दिवाली से की छुट्टियों से पहले आपकी डेट शीट आ जाएगी। और उसके बाद भाई ये है कि आपके एक हफ्ते की दिवाली की छुट्टियां भी रहने वाली, और नवंबर में तो मोस्टली आपका पूरा का पूरा महीना ऐसे ही फ्री रहने वाले हो, क्योंकि एक तो दिवाली की छुट्टी आ गई, ऊपर से टीचर्स आपको फ्री छोड़ देंगे कि हमने अपना सिलेबस है वो करवा दिया, अब आप अपने व्यापार पर तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनकी डेट शीट के बारे में बता दिया कि आपकी 15 से 20 दिन पहले आ जाएगी। वैसे ही आपका पीजी कोर्सेज वाले, पीजी कोर्सेज की ये है कि आपकी 11 से 20 नवंबर के बीच में आपकी जो डेट शीट है वो आ जाएगी। उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड आपके 3 से 4 दिन पहले ही आते हैं आपके एग्जाम से। जो आपका पहला एग्जाम होगा उससे 3 या 4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड है वो रिलीज किए जाते हैं। तो आपके जो एडमिट कार्ड, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके आपके एडमिट कार्ड है वो आपके डिपार्टमेंट्स और आपके जो कॉलेज टीचर है वो प्रोवाइड करवाते हैं। वो आपको ऑनलाइन भी दे सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या फिर आपको हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ जिन भी बच्चों ने डिस्टेंस से फॉर्म भर रखा है, या फिर उनका रीअपीयर है, या फिर एडिशनल या इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर रखा है, उनके जो एडमिट कार्ड वो आपके ऑनलाइन आएंगे एमडी स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर। एमडी स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आपको जहां से फॉर्म भरा था आपने रीअपीयर का, उसके नीचे ऑप्शन आता है आप डाउनलोड एडमिट कार्ड का, तो आप वहां से आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। होप करता हूं आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, आपकी डेट शीट कब आएगी, आपके एडमिट कार्ड कैसे आपको मिलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो कि आपको यहां पे दिख रही है इस पे जाके आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि भाई पिछले 2 महीने से मैं इररेगुलर हूं, चैनल पे ठीक से अपडेट भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसके लिए अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे अगर मन हुआ तो। बाकी आप जुड़े रहो आगे, आप अभी आपकी डे बाय डे सारी वीडियो आती रहेंगी। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।